नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेदों के बारे में। आज हम स्वर संधि के भेद देखेंगे। तो स्वर संधि का, जैसा कि पता है आपको कि दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं, तो आज हम उसके भेद पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के भेदों में सर्वप्रथम हम देखते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि, जैसा कि पता है आपको, एक सूत्र होता है, इसका मैंने पहले बताया था आपको कि अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ है। अब अक क्या है? जैसा कि पता है आपको, अक क्या है? अक है ऐ ए ई उ रि और लि। ये क्या है? अक है, ठीक है ना? तो अक, ठीक है ना, अक है सवर्ण दीर्घ, यानी अक इनके बाद में सवर्ण स्वर रहने पर। अब सवर्ण स्वर क्या है? इन्हीं के समान। देखो ए ई उ री लि का मतलब अक में ए नहीं आता, आ भी आता है, दीर्घ भी आता है, वर्ण आ ई उ री और लि का दीर्घ होता है ना ये। तो इनके समान स्वर्ण रहने पर अक के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश होता है, जैसे आपके, जैसे ठीक है, ए प्लस आ बराबर आ, ठीक है ना, या ई ई प्लस ई ई हो तो दीर्घ ई, ठीक है ना, जैसे ओ या ऊ है, ठीक है ना, और सामने भी ऊ आ जाए या तो, या फिर दीर्घ ऊ आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। री है, री प्लस री री और री बराबर क्या हो जाएगा? री। अब लि प्लस लि तो दीर्घ होता नहीं है, तो लि का लि रहेगा, ठीक है ना। तो यानी ये हो गया कि ए या अ हो तो आ हो जाएगा, ई ई ई हो तो ई हो जाएगा, ऊ, यानी अपने ही जो वर्ण है उसका दीर्घ वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे आपके देव प्लस आलय क्या बन जाएगा? देवालय, ठीक है ना। जैसे मम धन अपि क्या बन जाएगा? ममापि। जैसे न प्लस अस्ति क्या बन जाएगा? नास्ति। जैसे दैत्य प्लस अरि क्या बन जाएगा? दैत्यारि। दैत्य के अरि है ना शत्रु। जैसे अति प्लस इंद्र है क्या बन जाएगा? अतिंद्र है, ठीक है। जैसे कवि प्लस यदि प्लस इच्छा है, जैसे भूमि प्लस भूमि प्लस इस है क्या बन जाएगा? भूमि इस है, ठीक है ना। जैसे आपके भानु प्लस उदय है क्या बन जाएगा?
भानुदय। इसी प्रकार जैसे आपके वधु प्लस उत्साह है, वधु प्लस उत्साह है, क्या बन जाएगा? वधुत्साह है। इसी प्रकार जैसे आपके होत्री प्लस विकार है, क्या बन जाएगा? होत्रिकार है। जैसे आप एक कर्त्री प्लस ऋणम है, यहाँ देख लेते हैं, क्या बन जाएगा? कर्त्री ऋणम, ठीक है ना। धात्री प्लस ऋकार है, क्या बन जाएगा? धात्रिकार है। धात्रिकार है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम और देखते हैं अभी, जैसे लृ प्लस लृकार है, लृकार है, जैसे लृ प्लस लिकार है। इसी प्रकार और उदाहरण, जैसे गमलरी, गमलरी प्लस लिकार है, क्या बन जाएगा? गमलरीकार है। इस प्रकार आपके ये उदाहरण हो जाएंगे इसके दीर्घ संधि में, ठीक है ना। यानी अकसवर्ण दीर्घ सूत्र क्या कहता है कि अक के बाद में अगर अक हो, ठीक है ना, अको के स्थान पर क्या हो, सामने स्वर रहने पर, सवर्ण स्वर रहने पर अको के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है अपने ही वर्ण का, ठीक है ना। फिर आती है आपके दूसरी, आती है गुण संधि। गुण संधि, अब देखो गुण संधि क्या है, एक सूत्र है आद गुण है, सूत्र क्या है? आद गुण है, वर्ण। आद गुण क्या कहता है, इसको लिख लो आप, वर्ण। वर्ण में क्या हो गया, ए या आ दोनों हो गए, ठीक है ना, ए या आ, ठीक है ना। के बाद वर्ण के बाद में क्या हो, इसके बाद में अगर ई, उ, ठीक है ना, री, उल, री के होने पर दोनों के स्थान पर, स्थान पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण एकादेश हो जाएगा। जैसे जैसे एक बार समझ लो आप, जैसे ए आ है, ठीक है ना, और सामने क्या आ जाए, ई या ई हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ए या आ है, प्लस ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है ना, या ए आ है, ठीक है ना, और सामने री या री है तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ए आ है और री है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके गुण एकादेश हो जाता है। यहाँ पे जैसे उदाहरण दे रखे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण है उप इंद्र, जैसे
इंद्र है, उपेंद्र है, मम ई है, ई है, ममे है, जैसे रमा प्लस ईस है, रमेश है। इसी प्रकार जैसे हम और उदाहरण देख लेते हैं, परीक्षाधन उत्सव है, क्या बन जाएगा, परीक्षोत्सव है, इसी प्रकार से जैसे हित उपदेश, हितोपदेश है, ठीक है ना। जैसे नव ऊहा, नवधन ऊहा क्या बन जाएगा, नव प्लस ऊहा क्या बन जाएगा, ऊढ़ा कर लो या ऊहा कर लो, ऊढ़ा, ठीक है ना, ऊढ़ा, नव ऊढ़ा। आगे देखो आप, इसी प्रकार जैसे ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्मधन ऋषि क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि क्या बन जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि। इसी प्रकार जैसे उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उत्तम ऋण है। इसी प्रकार जैसे और उदाहरण देखते हैं हम, तवधन लृकार है, क्या बन जाएगा, तवलकार है। जैसे आपके मम लिकार है, मल्लकार है, इसमें इसी प्रकार जैसे कदा प्लस लिकार है, कदालकार है, कदलकार है, ठीक ना। ये आपके गुण संधि हो गई, ठीक है ना। अब हम दूसरी संधि देखते हैं, तीसरे नंबर की वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने सूत्र देखा था, वृद्धि रादैच, आदैच वृद्धि शात, आदि एच को वृद्धि हो, अर्थात अवर्ण। अब अवर्ण में ए और अ दोनों आ गए, के बाद ए ओ आई औ औ होने पर, होने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है, एकादेश, वृद्धि एकादेश होता है। तो समझो देखो, इसको ए और आ प्लस ए हो तो आई, ए आ प्लस आई हो तो आई, ठीक है ना। ए आ प्लस हो तो
औ ठीक है ना, आ प्लस औ हो औ, ठीक है ना। तो ये होता है जिसे हम उदाहरण देखते हैं, तो समझो इसको, अ वर्ण के पास ए या आ हो तो अ ए आई ओ औ हो तो उसके स्थान पर अपने ही मतलब उस दोनों वर्ण, दोनों जो स्वर है उनके स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाता है, ठीक है। दीर्घ वर्ण का मतलब वृद्धि हो जाती है वहां पे। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, जैसे अत्र एकम, अत्रैकम, जैसे तथा प्लस एव, तथैव, ठीक है ना। जैसे आपके ओर देखो आप, सदा एव, सदैव, सदैव। जैसे गंगा धन ओघ, गंगा धन ओघ बराबर गंगौघ। जैसे आपके और ले लो उदाहरण देंगे, मधुर ओदनम, मधुर रोदनम, ठीक है ना। जैसे सर्व एक्यम, ठीक है ना, सर्व एक्यम, सर्वई क्यम, ठीक है ना। जैसे और देखो आप, महा एरावत है, महाधन ऐरावत, महाधन महा, ठीक है ना, महई रावत है। इसी प्रकार कृष्ण औतकंठ्यम है, ठीक है ना, महाओषधम जैसे, महोषधम। इसी प्रकार कृष्ण धन औतकंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, ठीक है ना। इसी प्रकार उपेति, उपेति है स्व इरह, स्वेरह, स्वधन इरह, स्वैरह, ठीक है ना। इस प्रकार आपके ये संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। एक संधि और देख लेते हैं आज हम, यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। अब यण संधि में हमने एक सूत्र पढ़ा था, इको यणचि, यानी इको के स्थान पर यण आदेश हो, इको के स्थान पर क्या आदेश हो? यण आदेश हो। अब इक क्या है? अब देखो, इक इक है आपके ई ओ री लि, ये चार वर्ण इक हैं। तो इनके स्थान पर क्या हो? स्थान पर क्रमशः यण, यण में य व र उल,
आदेश हो, असमान, ठीक है ना, असमान स्वर आगे होने पर, ठीक है ना, अर्थात इको के स्थान पर इक, ईउ, रीलरी के स्थान पर क्रमशः य वरल हो, ठीक है ना, कब, असमान स्वर आगे होने पर, तो कैसे रहता है, और असमान हम आगे देखते हैं, एक बार उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण जैसे अभी उदय है, क्या बन जाएगा, अभ्युदय। अब यहां पे ई है, इसके स्थान पर यह हो गया, अभ्युदय बन गया, प्रति एकम है, क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। इसी प्रकार यदि अपि है, क्या बढ़ जाएगा, यद्यपि, ठीक है ना। और है जैसे स्त्री उत्सव है, क्या बढ़ जाएगा, स्त्री उत्सव, स्त्री धन उत्सव है, स्त्रुस स्त्री उत्सव है, ठीक है ना। इसी प्रकार मधु प्लस अरि है, क्या बन जाएगा, मध्वरि। इसी प्रकार तनु अंगी, पठतु इदम्, ठीक है ना, गुरु आज्ञा, क्या बन जाएगा, गुरु आज्ञा, क्या बन जाएगा, गुरु आज्ञा। इसी प्रकार आपके लघु आदेश है, क्या बन जाएगा, लघु आदेश है, क्या बन जाएगा, लघु आदेश है। ठीक है ना। इसी प्रकार हम और देखते हैं, वधु आशा, वध्वाशा। इसी प्रकार हम, ठीक है ना, लृ धन आकार है, लाकार है, लृ धन अंग है, क्या बन जाएगा, लृ धन अंग है, लंग है। इसी पर लृ आधार है, लाधार है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके ऋक वाला है, तो वो देख लो आप, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, क्या बन जाएगा, पितृधन, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है ना। नृधन आत्मजः, आत्मजः, क्या बन जाएगा, नृत्मजः। इस प्रकार आपकी जनसंधि हो गई है, तो ये उदाहरण जनसंधि के हैं, आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है। कल हम इससे आगे वाली संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।